अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुश्ताक हुसैन। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि बैरियर टाउन मार्केट के अंदर बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं यहां पे नामवर हैं, जिन्होंने चीज़ें जो है डिलीवर की हैं। जैसे डोमिनियन का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिलीवर कर दी हैं। अबुल कासिम वालों ने बहुत सारी चीज़ें डिलीवर कर दी हैं। इसी तरह से कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं, कुछ उनके अंडर कंस्ट्रक्शन अभी बन रहे हैं। इसी तरह से एक नाम है हमारे पास डीएक्स बिल्डर्स के नाम से, इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स वाले हैं, वो डीएक्स के नाम से अपनी चीज़ें जो हैं बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह और सेल करते हैं। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में और इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना था। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले लगा लें उन्होंने यूबियन टावर के नाम से एक पहला प्रोजेक्ट दिया था मेन जिना के ऊपर। 500 गज़ का कमर्शियल है, उसके ऊपर ऑफिसेज़ के लिए नीचे शोरूम्स हैं और उसके ऊपर ऑफिसेज़ के लिए ऑफिसेज दिए हुए हैं। और आज 1.5 साल गुजर गया है तो अब उसको हम देखते हैं तो उन्होंने प्रोजेक्ट तकरीबन रेडी कर दिया है, बार्स ग्लासेस वगैरह इंस्टॉल कर दिए हैं। ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट देख के ऐसे लगता है कि काफ़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी है, चीज़ें टाइम से पहले डिलीवर करेंगे। और अभी भी इसमें एक और चीज़ भी है व्यूवर्स, जिन लोगों ने अपनी मर्जिंग यहाँ पे करवाई थी वो भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन अप कर सकते हैं, चीज़ें यहाँ पे रीसेल पे चल रही हैं। तो एक टाइम था, वो एक अच्छा टाइम था उसके लिए मर्जिंग के लिए। बहरहाल आज भी हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर मर्जिंग हो रही है, लेकिन आज की हिस्ट्री में मैं बात करता हूँ तो जो बैरियर टाउन है वो भी अपने काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स जिनके प्लॉट्स आउट ऑफ बाउंड हो गए थे, अब उनको वो डिलीवर कर रहे हैं। स्पेशली वो वाले क्लाइंट्स जिन्होंने फुल पेमेंट पे की हुई थी, उनको पैराडाइज़ के अंदर या स्पोर्ट्स साइड स्पोर्ट सिटी के अंदर काफ़ी प्लॉट्स शिफ्ट अभी किए जा रहे हैं। आजकल हम हेड ऑफिस में जाते हैं तो स्पेशली इन जो हमारे पास काउंटर्स हैं जहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है प्लॉट्स रीएलोकेशन का, या जिनको चीज़ें मिल रही हैं उन पर काफ़ी रश होता है, काफ़ी लोगों को प्लॉट्स जो हैं दिए जा रहे हैं। इस तरह से आगे भी पॉलिसी चलती रहेगी। बहरहाल हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो है इनका प्रोजेक्ट, इन्होंने डीएक्स स्मार्ट अपार्टमेंट के नाम से दिया था, जो कमर्शियल नंबर उसको कह सकते हैं 2, जो प्रिसेंट 10A का जो कमर्शियल है, लिबर्टी कमर्शियल 2 हम उसको बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था। और व्यूवर्स, उस वक्त काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आज से तकरीबन 6 माह पहले लगा लें, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्चिंग के लिए आए थे, लेकिन डीएक्स वालों ने, इनकी ये ख़ास बात है कि वहाँ पे अभी कोई और प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट डीएक्स स्मार्ट अपार्टमेंट के नाम से जो प्रोजेक्ट दिया था उसके 3 फ्लोर भी रेडी कर दिए हैं। तो ये एक सेकंड इनका प्रोजेक्ट है जहाँ से इनकी क्रेडिबिलिटी का पता चलता है। नेक्स्ट इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट दिया था वो डीएक्स स्मार्ट रेजिडेंसी के नाम दिया था, लिबर्टी कमर्शियल 3 प्रीसेंट 8 का जो कमर्शियल है उसके ऊपर, उसके लिए भी अभी ये डिगिंग वगैरह के लिए काम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट दिया था वो मिडवे कमर्शियल 2 के नाम से जो बैरियर ने लॉन्च किया है ग्रैंड मॉस के बिल्कुल सामने, वहाँ पे इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट दिया है डीएक्स लग्जरी अपार्टमेंट के नाम से। बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है रेजिडेंशियल के लिए। व्यूवर्स, पहले मैंने आपको जो डीएक्स अपार्टमेंट और डीएक्स स्मार्ट अपार्टमेंट या डीएक्स रेजिडेंसी स्मार्ट रेजिडेंसी के नाम से इन्होंने प्रोजेक्ट दिया था, वो 266 गज़ का कमर्शियल है उसके ऊपर दिया था, और उसमें उन्होंने सिर्फ 2 बेड अपार्टमेंट वगैरह दिए थे। लेकिन मिडवे कमर्शियल 2 के अंदर अभी जो इन्होंने ग्रैंड मॉस के बिल्कुल फेसिंग अपना डीएक्स लग्जरी अपार्टमेंट के नाम से प्रोजेक्ट दिया है, इसके अंदर इन्होंने 2 बेड और 3 बेड अकोमोडेशन दी है। बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है और होपफुली कि ये अपने ये वाले जो प्रोजेक्ट हैं इनको भी टाइम से पहले डिलीवर कर देंगे। जो पहले अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि काम करके दिखाते हैं जो बिल्डर्स उनकी चीज़ें जल्दी जल्दी सेल हो जाते हैं। डीएक्स लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर बहरहाल यहाँ पे अभी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इनका मैं रेट भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो रेट है ग्रैंड मॉस फेसिंग जो इनके अपार्टमेंट्स हैं उनका जो रेट है वो 10,700 पर स्क्वायर फीट है, और अपोजिट साइड पे जो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं उनका जो रेट है वो 9,700 पर स्क्वायर फीट है, और अभी ये तकरीबन अपने रेट्स को रिवाइज़ करने वाले हैं। यहाँ इस प्रोजेक्ट की मैं आपको बात बताता चलूँ कि बैरियर के अंदर जो पार्किंग के इश्यूज़ हैं, इसके अंदर ये पार्किंग के इश्यू को कुछ इस तरह से रिजॉल्व किया गया है कि साथ में पार्किंग के लिए रोड भी अभी अवेलेबल हैं, और इसके बिल्कुल साथ ही पार्किंग प्लाजा भी दिया गया है, तो इस तरह से पार्किंग के भी यहाँ पे इश्यूज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट उन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट दिया है वो फिर ऑफिसेस के लिए दिया है डीएक्स ट्रेड टावर के नाम से, ये फिर मेन जिना के ऊपर दिया है। और पिछले प्रोजेक्ट की इनकी कारकर्दगी देख के
हम बिल्कुल इनके ये नए वाले प्रोजेक्ट के ऊपर हैरान हैं कि 10 दिन हुए हैं, 10 से 11 12 दिन हुए हैं इनके प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए, ग्राउंड फ्लोर पे कोई शोरूम नहीं मिल रहा है, सब जो है बिक चुके हैं और तकरीबन 7 फ्लोर तक चीज़ें जो हैं वो सारी बिक चुकी हुई हैं और लास्ट इनका जो 18 और 17 फ्लोर है वो भी सारा जो है वो सेल आउट हो चुका है। अभी जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो तकरीबन 8 फ्लोर से लेकर आप लगा सकते हैं कि 15 या 16 फ्लोर तक चीज़ें जो हैं वो कुछ ऑफिसेज से अवेलेबल हैं और इसका मैं अगर रेट की बात करता हूँ तो तकरीबन 12,500 पर स्क्वायर फीट रेट जो है रेट से यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। व्यूअर्स, DX के तकरीबन यही प्रोजेक्ट जहाँ तक मुझे याद थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, हो सकता है कुछ और प्रोजेक्ट इनके हों। DX के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी चीज़ें रिजर्व करवाना चाहते हैं, बुकिंग वगैरह करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ज़रिए से रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।